नमस्कार दोस्तों, चर्चा बोर्ड फिल्म अड्डे में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म पति पत्नी एंड जो के बारे में, जिसे रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा जॉनर वाली मूवी है, जिसके राइटर एंड डायरेक्टर हैं अजय बी गुप्ता। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस फिल्म को और जानेंगे क्या फिल्म आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। वेल, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे यूनिक कंटेंट देखने के लिए। ये कहानी है राजीव और उसके पत्नी मालती की। दोनों की अरेंज मैरिज होती है। दोनों अपने जिंदगी में काफी खुश रहते हैं। राजीव एक कंपनी में काम करता है और मालती एक राइटर है। मालती एक नोवेल लिखना चाहती है, लेकिन दोनों में एक कमिटमेंट होता है कि ये नोवेल टॉप सीक्रेट रहेगा जब तक ये कम्प्लीट ना हो जाए। इवन राजीव भी इसे पढ़ नहीं सकता। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब राजीव मालती के पीठ पीछे नोवेल्स के स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। एंड फिर उसके बाद से राजीव की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। तो अब आगे क्या होता है, आखिर क्या है इस नोवेल में, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है या असलियत कुछ और ही है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बिल कहाँ देखनी है, तो ये फिल्म सिमाड़ो पे अवेलेबल है, आप इसे इजीली सर्च करके देख सकते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट नॉर्मल है, लेकिन इसकी स्टोरी टेलिंग काफी यूनिक है। पति पत्नी अंजू, नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये लव ट्रायंगल की कोई कहानी है, क्योंकि इससे सिमिलरली हमने इससे पहले पति पत्नी एंड वो फिल्म देखी है जिसमें लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इसकी कहानी बाकी फिल्मों से काफी अलग है, जो इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले टोटली एंगेजिंग है, शुरू से लेकर एंड तक हमारे अटेंशन बना हुआ रहता है। हमेशा क्यूरियोसिटी मन में रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है। सिनेमेटोग्राफी डिसेंट है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे एवरेज लगा। डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स नैरेटिव है। फिल्म में कॉमेडी को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन वो डार्क वे में प्रेजेंट किया गया है। एडिटर ने फिल्म को 1 घंटा 46 मिनट तक रखा है, जो एक पल के लिए भी लेंदी फील नहीं होता। इस फिल्म में लीड रोल में है आनंद तिवारी, मनी गगड़ू एंड कुणाल पंत आदि आदि जैसे कलाकार। आनंद तिवारी यानी राजीव अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से निभाया है, काफी इंटरेस्टिंग रहता है इसका कैरेक्टर। कुणाल पंत यानी जो को स्क्रीन ऑन टाइम कम मिला है, लेकिन इन्होंने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से निभाया है। सबसे सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग परफॉर्मेंस रहता है मानवी गगड़ू यानी मालती की। मालती की परफॉर्मेंस पूरे फिल्म को ही पलट के रख देती है। कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से डेवलप किया गया है, जिसका एक प्लस पॉइंट भी है। फिल्म के एक्स फैक्टर साबित होता है इसका यूनिक स्टोरी टेलिंग, जो आपको सरप्राइज कर देता है। ये फिल्म कामयाब होती है अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में। बात करें इसके क्लाइमैक्स की, तो इसका क्लाइमैक्स डिसेंट है। इन शॉर्ट, ये एक वेल मेड मूवी है। अगर आप यूनिक कंटेंट के दीवाने तो आप इसे एक बार ट्रैक कर सकते हो, उम्मीद आपको पसंद आएगा। मैं इस फिल्म को रेट करता हूँ 8.2 out of 10 stars। पैंडागलेंस की बात करूँ तो इसमें काफी सारे किसिंग सीन्स क्लोजअप शॉट्स दिखाए गए, तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो अकेले ही देखिएगा। अगर आपने इसे पहले देखा है तो आपको ओपिनियन क्या है हमारे साथ कमेंट में शेयर करना। नहीं देखा तो आप इसे देख ले कहाँ सिमाड़ो पे। बाकी वीडियो को पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, इसे शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्म देखना पसंद हो। और हाँ, जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए।